नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश एंड वेलकम टू स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसे दिल्ली इंडिया का कैपिटल और मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, वैसे ही कोलकाता को इंडिया का कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। अपने इसी खूबसूरती और इम्पोर्टेंस के चलते कोलकाता को द सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जिस तरह से हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जैसे पुराने स्ट्रक्चर्स अभी भी लाखों लोगों को अपने ओर आकर्षित करते आए हैं, ठीक वैसे ही आने वाले जेनरेशन को भी अपने ओर अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ कुछ मॉडर्न आर्किटेक्चरल मार्वल्स बनाए गए हैं। हाल ही में कोलकाता में खोले गए धनोधैन्य ऑडिटोरियम और विश्व बांग्ला गेट जैसे स्ट्रक्चर्स इसी बात का एग्जाम्पल है। दोस्तों, विश्व बांग्ला गेट के बारे में कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज चलिए आप सबको बताया जाए कोलकाता के अलीपुर में बना इस प्रीमियर मल्टी ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसका नाम है धनोधैन्य ऑडिटोरियम। दोस्तों, बंगाल पहले से ही आर्ट एंड लिटरेचर में काफी आगे रहा है और इस ऑडिटोरियम को भी बंगाली कल्चर को ध्यान में रख के बनाया गया है। बंगाल के फेमस पोएट प्ले राइटर दिजेंद्रलाल राय के सम्मान में इस ऑडिटोरियम का नाम धनोधैन्य रखा गया है। दिसंबर 2017 में ही इस ऑडिटोरियम को बनाने का प्लान किया गया था और फरवरी 2019 इसका डेडलाइन भी रखा गया था, लेकिन कोविड-19 के वजह से इसका कंस्ट्रक्शन बंद करना पड़ा और सन 2021 में इसे रीस्टार्ट किया गया। दोस्तों, लगभग 600 वर्कर्स ने मिलकर इसका कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट किया और 13 अप्रैल सन 2023 में, यानी कि इस साल बंगाली न्यू ईयर के ठीक एक दिन पहले, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ममता बनर्जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, जिसे उन्होंने बंगाल के लोगों के लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट बताया। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शंख को काफी मान्यता दिया जाता है और उसी को दर्शाते हुए इस ऑडिटोरियम को एक शंख का रूप दिया गया है और रात को यहाँ पे काफी खूबसूरत लाइटिंग्स दिखाए जाते हैं, जिसके वजह से इस पूरे एरिया का नजारा काफी खूबसूरत हो जाता है। 450 करोड़ की लागत पे बना इस बिल्डिंग में टोटल 6 फ्लोर्स मौजूद है, जहाँ पे गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, VIP लॉन्च और बैंक्वेट हॉल जैसे सभी लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद है। यहाँ 2 ऑडिटोरियम बनाए गए हैं, जिसमें से मेन ऑडिटोरियम में 2000 सीट और मिनी ऑडिटोरियम में 540 सीट्स अवेलेबल है और इसके अलावा भी 300 सीट्स का एक ओपन स्टेज भी यहाँ पे बनाया गया है। यह पूरा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स 4.5 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, जहाँ पे 2 लेवल प्रॉपर वेंटिलेशन कार पार्किंग स्लॉट भी बनाया गया है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इस बिल्डिंग के ओनर है और NBCC यानी कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने इसे बनाया था। दोस्तों, धनोधैन्य ऑडिटोरियम और विश्व बांग्ला गेट जैसे आर्किटेक्चर्स न सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बल्कि ये एक स्टेट के डेवलपमेंट को भी दर्शाते हैं और हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में कोलकाता के साथ साथ भारत के बाकी शहरों में भी हमें ऐसे खूबसूरत स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।